अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे जी बस मैं जा रहा हूँ अन्य के पास माफी मांगने। अरे हीरो, आपने तो कहा था कि मैं अडॉप्शन नहीं होने दोगे, फिर कैसे जा रहे हो? तो मुझे अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, अगर नहीं गया दादाजी बहुत उदास हो जाएंगे, सो मैं यूं गया और यूं आ गया प्लीज। यानी सदु अंकल मेरे पापा बनने वाले? नहीं हीरो, वो बैड अंकल है, प्लीज ऐसे मत होने दो। दोस्त ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? आप प्लीज ऐसे ऐसे मत सोचो, मैं नहीं होने दूंगा। आप बस भाई साहब, ये जानवी जोशी कहाँ रहती है? आगे जाके राइट में। ये पक्का वही अडॉप्शन वाला लॉयर होगा। दोस्त आप 2 मिनट बस यहाँ रुको, मैं यूं गया और यूं आया, ओके? अरे वकील साहब, आप जानवी जी के घर जा रहे हैं ना, वो अडॉप्शन के केस के सिलसिले में? जी हाँ। वो एक्चुअली जानवी जी को अर्जेंटली जाना पड़ा, उनकी बुआ की तबीयत खराब हो गई है, तो वो 3 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, आप बाद में आ जाइए। 3 घंटे बाद? जी। एक मिनट, मैं जरा साधु जी से बात कर लूँ। साधु जी भी उन्हीं के साथ ही गए हैं। जी आप कौन? मैं उनका नेबर हूँ, पड़ोसी। मुझे कह के गए थे कि अगर वकील साहब आए तो उन्हें बोल दीजिए कि 3 घंटे के बाद आने के लिए। उनका मैसेज आपको कन्वे कर दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 3 घंटे बाद आता हूँ। थैंक यू। देखा, वो अडॉप्शन वाला लॉयर था, मैंने 3 घंटे के लिए उसे टाल दिया। अब सुनो, मैं बस यूं गया और यूं आता हूं। मैं साधु अंकल को आपका पापा नहीं बनने दूंगा, ओके? मैं बस आया। अब लेट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, और जल्दी आना। पक्का? अरे क्यान बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? देखो तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया, खेलो इसके साथ। सुमित बेटा, क्यान को भी खिलाओ। हाँ बस कुछ ही देर में साधु सर क्यान के पापा बन जाएंगे, मेरे बच्चे पे मेरा हक आधा हो जाएगा। एक तरफ तो ये सोच सोच के दिल रोए जा रहा है, और दूसरी तरफ इतनी गिरी हुई हरकत करने के लिए पुष्कर भैया पे गुस्सा भी आ रहा है। चलो सुमित, ज्ञान आ जाओ, गरम गरम पकौड़े। जानवी, हम कितने खुश नसीब हैं, एडॉप्शन और शादी के बाद हम एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों के माँ बाप बन जाएंगे। वी आर सो लकी ना। अरे पकौड़े बाद में खा लेंगे, इन्हें अभी खेलने दो, इन दोनों को भी एक दूसरे को जानने का मौका देना चाहिए ना। अरे अरे जानवी, तुमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन साइन अभी तक नहीं किए। अरे जल्दी से साइन कर दो ताकि लॉयर को आके सिर्फ कोर्ट की स्टैंप लगानी पड़े। मैं कर देता हूं साइन, है ना? फॉर्म पे क्यान का नया नाम कैसा लग रहा है? क्यान सदानंद साधु। लो अब तुम भी जल्दी से साइन कर दो। अरे बैठो, साइन करो। जानवी जल्दी से साइन कर दो, सब कुछ रेडी हो जाएगा तो फिर लॉयर भी आता ही होगा ना। तेरे साइन और वकील के थप्पे से ज्ञान मेरा हो जाएगा, और फिर उंगलियों पे ना चाहूंगा तुझे। ओह।
होटल का वो औरतों वाला धंधा चलाने का दोष भी तुझसे ही कबूल करवाऊंगा। फिर तू जाएगी जेल और कियान को सड़क पर छोड़ दूंगा जहां वो भीख मांगेगा। चल साइन कर चुपचाप। जानवी, जानवी देखना मैं सबके लिए मैंगो शेक बना के लाई हूँ। हाँ, इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। भाभी चलिए हम ना ग्लास और बर्फ लेकर आते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों को दे देंगे। जानवी ये फॉर्म तो साइन कर दो। क्या हुआ है जानवी? भाभी सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, कल सगाई आज अडॉप्शन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक एक पल के लिए सोचने के लिए। अब रुको भाभी, कियान का अडॉप्शन होना चाहिए भी कि नहीं? मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं जानवी, ऐसे तुम गलती नहीं कर रही हो। और देखो कियान के ना भविष्य का सवाल है, और देखो उसको स्कूल में ना दाखिला भी मिल जाएगा और उसका जो क्रिकेट का ट्रेनिंग है वो भी हो जाएगा, और साधु जी की मदद तुम्हें भी तो लगेगी ना। तो कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, शांत हो जाओ। अरे वो जूस लेके जाने, चलो 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 चलो। अब जानवी बर्फ निकालना जल्दी। भाभी हाँ, अगर ऐसा ही है तो मेरा कियान इतना दुखी क्यों है? और दुखी नहीं वो तो डरा हुआ है। पता है भाभी कियान नींद में अपने बिस्तर की एडॉप्शन के पेपर साइन हो गए क्या? पुष्कर, अरे आप एडॉप्शन के पेपर साइन हो गए? देखो जानवी और साधु जी की शादी के लिए छुट्टी ली थी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो होना चाहिए ना। एडॉप्शन के पेपर साइन हुए क्या? वकील साहब आएंगे ना तो सब हो जाएगा। अरे वकील साहब की क्या जरूरत है, वकील साहब आ रहे हैं, अरे वो भी इस छुटके के लिए। अरे हाथ पकड़ो ऐसे और जाने दो ना इस अनाथ आश्रम में। सुनो वरना क्या होगा ना, जानवी का ध्यान अपने पति की जगह सिर्फ कियान पे रहेगा, सारा दिन कियान कियान करती रहेगी। अरे हटाओ, खबरदार कौन है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।